नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल.com के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश के ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है यानी वर्ल्ड लैंग्वेज यानी ग्लोबल लैंग्वेज या इंटरनेशनल लैंग्वेज, इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी होती है, और यह संक्षिप्त टिप्पणी जो है 5 नंबर के लिए आती है। तो यह याद रखिएगा कि यह जो है क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ रहा है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, खासकर यह जो क्वेश्चन है आप अच्छा तरीका से इसको याद करके जाइए, और बहुत ही सिंपल तरीका से यह बनाया गया और आपके एग्जाम में भी बहुत कम ही समय बचे हुए हैं, इसलिए आप अच्छा तरीका से इसको समझ लीजिए। तो देखिएगा क्या आता है, क्वेश्चन क्या है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज ए वर्ल्ड या ग्लोबल या इंटरनेशनल लैंग्वेज। इस तरह से यह क्वेश्चन आएगा कि एक छोटी सी टिप्पणी लिखे, शॉर्ट नोट लिखना है, और किस पर, तो यानी बताना है कि इंग्लिश जो है एक वर्ल्ड लैंग्वेज है या ग्लोबल लैंग्वेज है या इंटरनेशनल लैंग्वेज है, यानी कहने का अर्थ है एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में है इंग्लिश, और इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। बहुत बढ़िया तरीका से समझ लीजिएगा, कह रहा है कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज बिकॉज इट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कहा जा रहा है कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है यानी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, क्योंकि यह जो है पूरी दुनिया में बोला जाता है। और मैं आपको बोल रहा हूं ना, बहुत ही आसान भाषा में बताया गया। इसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश के जो मिडिल इंग्लिश जो रह गए और उसके बाद ओल्ड इंग्लिश रह गए, फ्यूचर ऑफ इंग्लिश रह गए, उन सभी का भी वीडियो लेकर आ रहा हूं, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए है, बहुत ही अच्छा तरीका से आप देख सकते हैं वहां पर जाकर। तो देखिएगा ध्यान से, तो सबसे पहले तो यह लिख देंगे कि इंग्लिश एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है, क्योंकि यह जो है भाषा पूरी दुनिया में बोला जाता है। आगे क्या है कि द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपुल इन द वर्ल्ड स्पीक एंड रीड इंग्लिश। यानी अगर कहा जाए कि बहुत बड़ी संख्या में, अगर दुनिया में अगर देखा जाए तो बहुत ही बड़ी संख्या में इस भाषा को पढ़ा जाता है और लिखा जाता है, बोला जाता है, तो सिर्फ यही एक भाषा है जो पूरी दुनिया में चर्चित है, दूसरा कोई भाषा नहीं है। इसलिए लोग जो है ना, एक भारत ही नहीं बल्कि भारत के अलावा दूसरा देश भी पूरी तरह से इंग्लिश को सीखने के लिए जबरदस्त तैयारी पर लगा हुआ है, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा भाषा है जो आपको पूरी दुनिया का खुशबू दे सकता है। आगे क्या है देखिएगा ध्यान से, ऑलमोस्ट ऑल द फॉर्मर कॉलोनीज ऑफ ब्रिटेन हैड इंग्लिश एज एन इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। अगर कहा जाए तो अगर जो ब्रिटिश जब रहते थे यहाँ पे, तो ब्रिटिश जहां जहां भी रहे, जिस कॉलोनी में रहे, वहां पर उन्होंने क्या कर दिया था कि जितने भी गली थे, मोहल्ले थे, वहां पर इंग्लिश को एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में रख दिया था। चाहे जिस देश पर वह राज किए, जैसे भारत पर किए, तो भारत के विभिन्न जहां जहां रहे, तो वहां पर क्या किए थे कि अधिकांश जगहों पर वह बहुत ही अच्छी तरीका से इंग्लिश का प्रचलन किए और इंग्लिश की महत्वपूर्णता को वहां पर ज्यादा दिए, और इसलिए वहां पर भी इंग्लिश का सबसे ज्यादा देखा जाता है। आगे देखिएगा क्या है, फॉर द यूरोपियन कंट्रीज लाइक फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, यूके, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका हैव इंग्लिश एज देयर मेन लैंग्वेज। अगर कहा जाए कि अगर कहां कहां पर मेन लैंग्वेज के रूप में है, तो मेन लैंग्वेज के रूप में है, अगर इंग्लिश को मातृभाषा के रूप में अगर लिया जाता, जैसे हमारा जो मातृभाषा है, भारत का मातृभाषा है, तो वो हिंदी है, लेकिन बहुत सारा ऐसा देश है जैसे यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब जितने भी देश है, उन सभी जगह पर जो मातृभाषा के रूप में इंग्लिश को लिया जाता है, और वहां पर मेन लैंग्वेज के रूप में, हमारा मेन लैंग्वेज क्या है, तो हमारा जो मेन लैंग्वेज है, हमारे देश का जो मेन लैंग्वेज है, वह है हिंदी। लेकिन याद रखिएगा, यहां जितने भी देश है, उन सभी देश में मेन लैंग्वेज के रूप में है इंग्लिश।
आगे क्या है, इवन द चाइनीज आर लर्निंग इंग्लिश टू कंप्लीट विद द वर्ल्ड इन मॉडर्न युग। यानी कहा जा रहा है कि चाइनीज लोग भी अपने इन्वेंशन करने के लिए, उद्योग धंधा को आगे बढ़ाने के लिए जोरों शोर से इंग्लिश को पूरी तरह से अपनाना चाह रहा है। कारण यही है कि अच्छा एक बात बताओ, आप जो भी आप सुने होंगे कि जो भी सामान जो है अधिकांशतः जो है चाइनीज सामान है, लेकिन चाइनीज सामान को बेचने के लिए आपको तो भाषा की भी तो जानकारी होना चाहिए ना। अगर आप दूसरे देश को अगर चाइनीज सामान बेच रहे हो तो आप अपनी भाषा इंग्लिश अगर जानकारी होगी तभी तो आप बेच सकते हो। तो बहुत ही जोर शोर से लगा हुआ है चाइनीज लोग भी इंग्लिश को सीखने में। तो आप इसको अच्छा तरीका से समझ लीजिएगा। इसके बाद जो वीडियो आने वाला है उसको भी आप कह जाए कि देखिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए।